फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं एलोवेरा और डव शैम्पू के जरिए दोनों को मिला के देखते हैं दोनों में क्या रिएक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ आपको इस तरह से एक चक्कू ले लेना है। इस एलोवेरा में से एक हमारे लिए डुग्गी काटनी है, यानी कि एक पत्ती काटनी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी एक छोटी सी डुग्गी काटना चाहता हूँ, आप भी काट सकते हैं जितनी बड़ी अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मैं ये वाली डुग्गी काटूंगा इसकी, तो देखते हैं ये कितनी बड़ी है। देखिए फ्रेंड्स, इसे चक्कू की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही टूट जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये टूट गया। तो चलिए फ्रेंड्स, नल की तरफ चलते हैं, इसे धो के फिर करके दिखाते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं नल की तरफ, हम इसे धोते हैं फिर देखते हैं बना कर ये बनता है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, ये धो गया। तो फ्रेंड्स, एक आपको कटोरी लेनी है, एक कद्दूकस लेना है और ये आपके सामने दिख रहा है एलोवेरा, ये कटोरी में रखा है। चाहते आप तो एक कटोरी या थरिया बड़ी भी ले सकते हैं, मैंने कटोरी ली है। और ये शैम्पू है डव, इसमें डाल के देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे काट लेते हैं एलोवेरा के लिए। तो फ्रेंड्स, चाकू से इसकी जो ऊपर की जो हरी हरी परत है ये उतार लेनी है आपको, जैसे कि मैं उतार रहा हूँ, आपको भी उतारना है इसी तरह से कुछ। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे उतर जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कद्दूकस ले लिया, इसे ऐसे घिसना है, आप भी घिस सकते हैं ऐसे ही। तो फ्रेंड्स के सामने है एलोवेरा, मैं थोड़ा सा इसमें डब शैम्पू डालता हूँ, बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब से उंगली की सहायता से या चम्मच से आप इसमें गोल गोल घुमा सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें। आपको ऐसे ही घुमाना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बन गया है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह से होता है, तो आप भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है मैंने आपके सामने, तो ये शैम्पू जैसा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।